ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी मुझे गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच विवाद अब सुलझ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हस्तक्षेप के बाद विवाद का पटाक्षेप हुआ। आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी का पैर पकड़कर माफी मांगी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसके साथ ही आनंद गिरी ने सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में दिए गए बयान को भी वापस ले लिया है। स्वामी आनंद गिरी ने अपने गुरु और निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर से भी माफी मांगी है। मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानी बस जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस देता हूँ। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस देते हुए मुझे गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी। आपको बता दें कि 14 मई को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से निष्कासित करने के बाद गुरु शिष्य के बीच विवाद बढ़ गया था। स्वामी आनंद गिरी पर परिवार से संबंध रखने और मठ और मंदिर के धन के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन आज आनंद गिरी के माफी मांग लेने के बाद जाकर मामला ठंडा हुआ। ओम नमो नारायण। मेरा विवाद जो आप लोग सब लगातार देख रहे थे, उस विवाद में एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर से भी मैंने क्षमा याचना की है। वो भावावेश था और उस समय ऐसी परिस्थिति थी जब मुझे बहुत कुछ कहना पड़ा और उसमें आशीष गिरी की हत्या का प्रकरण और जमीन इत्यादि बेचने का प्रकरण उठाया, परंतु वाकई सत्यता यह है कि इसमें कोई सत्यता मेरे हिसाब से नहीं है, जब मैं इसको बहुत ठंडे दिमाग सोचता हूँ तो। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि इसमें किसी का कोई क्षति हो। मैं एक बार पुनः अपने द्वारा लगाए आरोपों को वापस लेता हूं और पंच परमेश्वर से क्षमा याचना करता हूं। ओम नमो नारायण।